Hello, welcome to online classes. Class 3, how are you, student? I hope you will be fine at home. Second activity, topic, title page, salt and paper. सॉल्ट एंड पेपर बेटा, दिस इज पेपर एक्टिविटी। ये एक तरीके का गेम होता है जिसमें आप लोग अल्फाबेट्स लिख के भी खेलते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं। सॉल्ट एंड पेपर, फर्स्ट आपको एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर चाहिए, सिर्फ आपको पेपर की जरूरत होगी, ठीक है, इस एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से करने के लिए। स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, फोल्ड अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर इन हाफ टेप द बॉटम, यानी कि स्क्वायर पीस ऑफ पेपर को आप रेक्टेंगल शेप पे फोल्ड कर लेंगे और उसके देखिएगा तमाम जो साइड्स हैं वो इक्वल हों, यानी कि जब आप फोल्ड करेंगे तो वो आगे पीछे फोल्डिंग नहीं होनी चाहिए, इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कीजिएगा, ठीक है। देन फोल्ड इन स्क्वायर शेप, जब आप इसको दोबारा फोल्ड कर देंगे स्क्वायर शेप में तो आपके पास एक ही पेपर में फोर बॉक्सेस ड्रॉ हो जाएंगे, प्रेस करिएगा तो आपके पास एक क्रीज आ जाएगी, फोर बॉक्सेस, ओके, 1 2 3 4 सेम साइज होंगे। नंबर टू पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये बॉक्सेस विजिबल है, हर बॉक्स को ट्रायंगल शेप में टर्न करना है, ओके, लुक दिस, फर्स्ट टर्निंग बट डोंट क्रॉस अ सेंटर पॉइंट। आपको ट्रायंगल शेप में टर्न करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आप सेंटर पॉइंट क्रॉस नहीं करेंगे। जब तमाम बॉक्सेस आप ट्रायंगल शेप में टर्न कर लेंगे आपके पास दोबारा से बॉक्स जो है वो तैयार हो जाएगा। ये एक एनवेलप टाइप का बॉक्स होगा, ये देखिए ओपन भी है, ठीक है, 1 2 3 4 ट्रायंगल है और जब ये क्लोज हो रहा है तो ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स की शक्ल में है, ठीक है। थर्ड क्या होगा, आपको दोबारा इसको टर्न करना है, आप इसे टेबल पर रखिए और बैक साइड पे दोबारा सेम स्टेप्स लेने, ठीक है, सेम स्टेप लेने, इसका मतलब आपको दोबारा से इसे उसी तरीके से फोर बॉक्सेस बनाने हैं अपने पेपर में और ये बॉक्सेस ड्रॉ नहीं करने बल्कि पहले रेक्टेंगल फोल्डिंग करेंगे फिर स्क्वायर फोल्डिंग करेंगे, जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास दोबारा से फोर बॉक्स आ जाएंगे, पेपर को बैक साइड पे टर्न कीजिए और फिर अपोजिट साइड पे यानी कि पीछे की तरफ ये ट्रायंगल्स बनेंगे, पीछे की तरफ यानी कि बैक साइड पे बनेंगे, आपके पास दोबारा से यही बॉक्स रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हमने किया और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से स्क्वायर बॉक्स रेडी हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको पीछे की तरफ रेक्टेंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे, जब हम रेक्टेंगल शेप में फोल्ड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पॉकेट्स बन जाएंगे, फोर पॉकेट्स बन जाएंगे, 1 2 और इसके पीछे टू पॉकेट्स और होंगे, ये देखिए ना ये पॉकेट्स बन गए, आपने जब पीछे की तरफ से टर्न किया तो आपके पास फोर पॉकेट्स बन गए, 1 2 और बैक साइड पे टू पॉकेट्स और है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम फाइव पे हम इन पॉकेट्स के अंदर अपनी फिंगर डालेंगे दोनों हाथ से, हमने अपनी फिंगर डाली और जब इसको ओपन किया तो हमारे पास एक बॉक्स आ गया। अब आप इस बॉक्स पे अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं, कोई गेम्स भी बना सकते हैं। टर्न द फॉर्म ओवर टू गेट योर सॉल्ट एंड पेपर होल्डर, ठीक है, तो ये एक तरीके से सॉल्ट पेपर होल्डर तैयार है। अब आपने क्या करना है, सॉल्ट पेपर होल्डर को आप गेम एक्टिविटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। नीड दीज थिंग रूलर एंड पेपर, ठीक है, होमवर्क क्या होगा आपका, ड्रॉ एन एनवेलप इन योर ड्राइंग कॉपी आफ्टर फिनिश दिस एक्टिविटी, ओनली डू पेंसिल स्केचिंग
इन एन एनवेलप। अच्छा, अब ये एक्टिविटी तो आपने डन कर ली है, होमवर्क क्या करना है आपको, कॉपी में बकायदा आपको रेक्ट एंगल शेप ड्रॉ करना है। ओके, रेक्ट एंगल शेप ड्रॉ किया, रेक्ट एंगल शेप ड्रॉ करने के बाद अप साइड पे एक ट्राइंगल शेप ड्रॉ करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, बॉटम अगेन ट्राइंगल, अप टू डाउन, टू ट्राइंगल्स जो है वो आपस में मर्ज कर देंगे तो आपके पास एक एनवेलप शेप तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एनवेलप की फाइनल पिक्चर देखिए, इस पे पेंसिल स्केचिंग कीजिए या कलर करना चाहते हैं तो कलर कीजिए। ठीक है, पेंसिल से शेडिंग ज्यादा प्यारी लगती है क्योंकि एनवेलप है, और आपके स्कूल में भी इस चीज का ख्याल रखा जाता है कि आप लोग शेडिंग वर्क पे ध्यान दें, जितनी शेडिंग आपकी स्मूथ होगी आगे चल के आप लोगों के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करना या बायो की अगर आप लोग बायो क्लासेस लेंगे तो कोई भी तस्वीर बनाएंगे तो आप लोगों के लिए स्केचिंग करना बहुत इजी रहेगा। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि हमेशा पेंसिल स्केचिंग की तरफ आप लोग कंसंट्रेट किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज, कीप स्माइलिंग, नेक्स्ट टाइम दोबारा नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, आपकी टीचर मिस हुमाना।